हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मनीष उदय कृष्णा, स्वागत करता हूं अपने चैनल कृष्णाज बायोलॉजी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी रामबाण सीरीज चल रही है। पहला वीडियो आपने देखा होगा, पहले चैप्टर के लिए था। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, फर्स्ट एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आप जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। फिलहाल मेमोराइज करने के लिए एक चीज वहां पर मिलती है, फंजाई किंगडम। फंजाई किंगडम के जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं, याद नहीं होते हैं। वही एक चीज है जो मेमोराइज करना आपके लिए कठिन होता है, तो उसके लिए ये रामबाण लेकर मैं आ गया हूं इस वीडियो में। देखते हैं कैसे ये रामबाण अप्लाई होता है। देखिए, जो फंजाई किंगडम है उसमें चार क्लासेस डिवाइड की हुई हैं। पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज, फिर है एस्कोमाइसिटीज, फिर है बेसिडियोमाइसिटीज, फिर है ड्यूट्रोमाइसिटीज। सबके लिए रामबाण हाजिर है आपके सामने, देखते जाइए कैसे लगेगा ये। अच्छा, थोड़ा जो है ध्यान से देखिएगा, एक जो रामबाण है वो पूरा दो क्लासेस को कवर कर रहा है। थोड़ा सा सुर से सुर मिलेगा तो ज्यादा सही याद होगा। जैसे देखिए, फेकू अबला मुकर रही, इसको कल ये न्यूरो पेंसिल अपरेगी। फिर से सुनिए, फेकू अबला मुकर रही, इसको कल ये न्यूरो पेंसिल अपरेगी। इसमें दो क्लासेस कवर हो रही, कैसे कवर हो रही जरा देखिए। फेकू मींस, या फेकू से हम याद कर सकते हैं फाइकोमाइसिटीज। अबला इसका एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटीज क्लास का एग्जाम्पल है एल्बिगो, अबला से रिप्रेजेंट हो रहा है। म्यूकर अगला एग्जाम्पल है मुकर से, राइजोपस रही से रिप्रेजेंट हो रहा है। फेकू अबला मुकर रही, आगे इसको एस्कोमाइसिटीज कल क्लेविसेप, ये ईस्ट न्यूरो न्यूरोस्पोरा, पेंसिल पेनिसिलियम, अपरेगी एस्परगिलस। इस तरीके से दो क्लासेस आप याद कर सकते हो। फिर से देख लीजिए, फेकू अबला मुकर रही, इसको कल ये न्यूरो पेंसिल अपरेगी। फेकू अबला मुकर रही, इसको कल ये न्यूरो पेंसिल अपरेगी। इस तरीके से याद हो गया रामबाण, ये याद हो गया आपको। इसका मतलब कैसे निकालेंगे? फेकू फाइकोमाइसिटीज, अबला एल्बिगो, मुकर म्यूकर, रही राइजोपस, इसको एस्कोमाइसिटीज कल क्लेविसेप, ये ईस्ट न्यूरो न्यूरोस्पोरा, पेंसिल पेनिसिलियम, अपरेगी एस्परगिलस। ठीक, दो क्लासेज और बचते हैं इसमें, देखते हैं उसको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं हम। उसके लिए रामबाण है, बासी अगर पसीना उसका डीओ कलेक्शन ट्राई अल्टर। बासी अगर पसीना उसका डीओ कलेक्शन ट्राई अल्टर, अल्टर मींस बदलना, तो बदल के अगर पसीना बासी है तो बदल करके डीओ कलेक्शन ट्राई करिए, कुछ इस सेंस में मिल रहा है रामबाण। क्या है बासी अगर पसीना उसका डीओ कलेक्शन ट्राई अल्टर? बासी बेसिडियोमाइसिटीज, अगर एगेरिकस पसीना पक्सीनिया उसका उस्टिलागो। फिर ये क्लास कंप्लीट हुई, अगले क्लास में आ जाएंगे डीओ ड्यूट्रोमाइसिटीज कलेक्शन कोलेटो ट्राइकम, ट्राई ट्राइकोडर्मा, अल्टर अल्टर नैरिया। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, बासी अगर पसीना उसका डीओ कलेक्शन ट्राई अल्टर, ये कुछ सेंस निकल रहा है। जैसे फंडे का कुछ कहानी बेसिस पे जब सेंस निकलता है तो दिमाग में ज्यादा बैठा रहता है। बासी अगर पसीना उसका डीओ कलेक्शन ट्राई अल्टर, अब किससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, बड़ी आसानी से आप देख सकते हो, बासी से बेसिडियोमाइसिटीज, अगर से एगेरिकस पसीना पक्सीनिया उसका उस्टिलागो, डीओ ड्यूट्रोमाइसिटीज कलेक्शन कोलेटोट्राइकम, ट्राई ट्राइकोडर्मा, अल्टर अल्टर नेरिया। ठीक, चैप्टर नंबर 2 में फंजाई किंगडम ही था जो मुझे लगा कि ये मेमोराइज करने में थोड़ा टफ होता है, तो उसके लिए मैंने रामबाण आपके सामने ला दिया है। बाकी किसी भी चैप्टर में अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम होती है कि ये चीज मेमोराइज होने में टफ हो रही है, तो आप वीडियो में जाके कमेंट में आप बता सकते हो मुझे किस चीज, कौन सी चीज है जो आपको मेमोराइज नहीं हो रही है। मैं
फंडा बना दूंगा, रामबाण अपना बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दो मिनट में फंडे बनाता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है रामबाण की, अपने अपने पास रामबाण बहुत है ना। तो ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में फंजाई किंगडम मेमोराइज करना था, हम लोगों ने कर लिया। रफ कॉपी पर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे जिंदगी भर, 2-3 पीढ़ियों के लिए याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बच्चे रटे रटाए पैदे होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं इधर। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, तब तक के लिए, वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो में आपके काम की चीजें आई हैं तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।